हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वाला वीडियो 777 के चेंजेस मोंटाज ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। एंड जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उसे देखें। एंड इस वाले वीडियो में आपको एक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आपने रिव्यू में देख लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर में अपनी वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप का आपका वीडियो क्लिप होना चाहिए जो कि आपने मोंटाज में देखा था। तो यहाँ पर हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे, तो वो स्क्रीनशॉट कहाँ पर लेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर स्नाइपर शॉट लेने के बाद आपको M4 जब हाथ में लेते हो तो उसी टाइम आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एकदम M4 लेते टाइम ही। यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है कि M4 आपका कहाँ पर होना चाहिए, उस टाइम आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लूँगा, ये वाला जो है अच्छा लगेगा शायद। देन आपको लेफ्ट साइड में कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। देन कैप्चर एंड सेव कर लेना है, तो आपका एक स्क्रीनशॉट जो है सेव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसी जगह पर जो है स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले आपको आपके वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन कैंची वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है। देन स्प्लिट आर्ट प्ले हार्ड कर देना है। देन उसके बाद आपको फिर से मीडिया पर जाना है, एंड अभी हमने जो स्क्रीनशॉट सेव किया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ये वाला स्क्रीनशॉट। देन आपको क्या करना है कि इसको, इस वाला प्रोजेक्ट को ऐसे ही छोड़ देना है काइन मास्टर में। नेक्स्ट हम चलेंगे PSCC एप्लीकेशन में। तो PSCC में आने के बाद आपको वही स्क्रीनशॉट जो हमने काइन मास्टर में लिया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देन आपको स्क्रीनशॉट इंपोर्ट करने के बाद आपको ऊपर पेंसिल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाना है। देन शो पॉइंटर करना है, तो यहाँ पर एक पॉइंटर शो हो जाएगा। देन लेफ्ट साइड से आपको एक सिलेक्शन टूल सेट करना है, पॉलीगन सिलेक्शन टूल। देन आपको क्या करना है कि आपके कैरेक्टर के ऊपर आपको एक बॉर्डर टाइप का बनाना है, कुछ इस तरीके से। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, राइट साइड से आपको कर्सर को जो है कंट्रोल करना है, देन लेफ्ट साइड से आपको टैप करना है ताकि एक जो है लाइन बन सके। एंड आपको जो है उसको आपके कैरेक्टर के ऊपर मतलब बॉर्डर टाइप का बनाना है, कुछ इस तरीके से। ज़्यादातर लोगों को पता होगा थंबनेल बनाते टाइम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि आप एक बार ट्राई करो, आपको इजीली पता चल जाएगा। राइट साइड में जो बटन है आपको कर्सर को कंट्रोल करने के लिए है, एंड लेफ्ट साइड में जो बटन है आपको उसको टैप करते ही जो है एक लाइन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। देन आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। देन प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। देन आपको लेयर फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको टैप करना है। देन उसके बाद आपका जो एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, आपने जितना भी जो है बॉर्डर टाइप का बनाया था, एक सिलेक्ट किया था एक हिसाब से, वो जो है दूसरे लेयर में शिफ्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ऐसी कुछ जगह रह गई हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए बट फिर भी सिलेक्ट हो गई है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको आपका जो PNG वाला लेयर है आपके कैरेक्टर वाला, उसमें आपको सिलेक्ट करना है उस वाले लेयर को। एंड आपको जूम कर यहाँ पर भी आपको एक बॉर्डर टाइप का बनाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से बॉर्डर बनाने के बाद आपको ऊपर पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाना है, देन क्लियर के ऑप्शन पर टैप करना है, तो ये जगह जो है क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर थंबनेल बनाते टाइम कुछ अनवांटेड जगह रह जाती हैं तो इसी तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इफेक्ट जो है एलाइड मोशन में भी हो सकता है, बट ज़्यादातर डिवाइस में जो है एलाइड मोशन लैग करता है, बट काइन मास्टर जो है अच्छे से चल जाता है लो एंड डिवाइस में। तो कमेंट करो अगर आपको एलाइड मोशन का ट्यूटोरियल चाहिए तो। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का PNG बन चुका है। अब आपको फिर से जो है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेना है, एंड पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जो है हाइड पॉइंटर कर लेना है। देन आपको लेयर पर जाना है, एंड एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। मैंने बेसिकली जो पहले वाला जो स्क्रीनशॉट था उसमें ही ब्लैक कलर फिल कर लिया। देन आपको आपके कैरेक्टर वाला जो लेयर है उसको डुप्लीकेट करना है, एंड जो ऊपर वाला लेयर है उसको, उसका जो ब्लेंडिंग मोड है आपको लिनर डॉज करना है ताकि ब्राइट हो जाए थोड़ा सा। देन उस लिनर डॉज वाले लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है ताकि थोड़ा और जो है ब्राइट हो जाए। तो ये वाला हमको जो है चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले जो है लिनर डॉज देन दूसरा लिनर डॉज, तो ज़्यादा ही जो है ब्राइट हो जा रहा है। तो ये वाला हमको PNG चाहिए। देन आपको ब्लैक वाला जो लेयर है उसको आपको क्लियर कर लेना है या फिर डिलीट भी आप कर सकते हो। देन आपको ये वाला PNG जो है सेव कर लेना है एंड गैलरी में इम्पोर्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट हम चलेंगे काइन मास्टर में।
तो काइन मास्टर में आने के बाद आपको वही प्रोजेक्ट में जाना है जो कि हमने पहले छोड़ा था, वो स्क्रीनशॉट वाला लेयर जो ऐड किया था। तो उसमें आने के बाद आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है यहाँ पर ताकि आप डिटेल में एडिट कर सको। तो स्क्रीनशॉट वाला जो क्लिप है उसको आपको सेलेक्ट करना है एंड स्टार्टिंग में जाना है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे आपको लेयर पर जाना है एंड हमने अभी अभी जो PSCC एप्लीकेशन से PNG क्रिएट किया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड यहाँ पर आपको साइज़ वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो साइज़ एडजस्ट करने के बाद आपको एनिमेशन देना है एंड ये जो इफ़ेक्ट है वो सारा एनिमेशन एंड आप कितने टाइम तक वो इफ़ेक्ट चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप माइंड में एक बिठा ले कि आप कितने टाइम तक वो इफ़ेक्ट चाहते हो, तो उसी जगह पर आपको क्रॉप कर लेना है वो स्क्रीनशॉट वाला लेयर को एंड आपके PNG वाले लेयर को। देन हमें PNG वाले लेयर को जो है एनिमेशन देना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में एक की फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है। देन आपको एकदम क्लिप के बीच में यहाँ पर आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। देन आपके PNG को थोड़ा सा जूम कर लेना है। देन हमें PNG वाले लेयर का इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन फेड रखना है। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक दो बार प्ले करके देख लेना है कि अच्छे से इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा इफ़ेक्ट का टाइम जो है बहुत ही कम है, इसलिए फास्ट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको आपके वीडियो क्लिप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है एंड आपके PNG वाले लेयर को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ताकि ज़्यादा टाइम तक जो इफ़ेक्ट है वो शो हो सके। अगर आपने एनिमेशन अच्छे तरीके से क्रिएट किया होगा तो आप इसी तरीके से जो है क्लिप्स को एक्सटेंड कर करके इफ़ेक्ट को लंबा बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर का जो PNG है वो अच्छे से वीडियो के साथ मैच नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस रखा हुआ है वो PNG। तो उसके लिए आपको ब्लेंडिंग में जाना है एंड हार्ड लाइट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका PNG जो है आपके वीडियो के साथ अच्छे से मैच हो जाएगा एंड आपको वीडियो की कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा डार्क रखनी है क्योंकि इफ़ेक्ट थोड़ा सा ब्राइट है तो अच्छे से वो मैच हो सके। तो यह गाइस यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।